विदिशा जिले के कुरवाई विकासखंड के ग्राम पंचायत भाल बामोरा में केंद्र सरकार द्वारा संकल्प योजनाओं के अंतर्गत आज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भाल बामोरा में कैरियर मार्गदर्शन कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला कौशल समिति के सदस्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गंज बासोदा के नितिन कुमार गुप्ता और मोहित राजपूत के द्वारा आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण अधिकारियों ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक छात्र छात्राओं को कैरियर के संबंधित जानकारियां प्रदान की तथा उन्हें भविष्य में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही उन्होंने बताया कि बच्चे अपने भविष्य में आगे बढ़ने के लिए गणित, जीव विज्ञान, कला संकाय, वाणिज्य, कृषि व्यवसाय एवं अन्य तकनीकी क्षेत्रों में जाने के लिए इन विषयों के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं तथा इन विषयों का चयन उनके जीवन में विभिन्न प्रकार के आयामों को लेकर आता है। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। कॉमर्स साइड है, कॉमर्स ले लेते हैं, आर्ट्स में है तो आर्ट्स ले लेते हैं। ये चार लाइन सीखते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कई बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म कोर्स होते हैं, ठीक है। जो 12वीं के बाद होंगे ग्रेजुएशन कोर्स, ठीक। सबसे पहले अपन ने मान लीजिए मैथमेटिक्स में किसी का रुझान है, हमें कैरियर सिलेक्ट करते टाइम सबसे ज्यादा ध्यान ये रखना है कि हमारा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में। मान लो 12th तक है तो फिर हम इसको कर सकते हैं 12th के बाद। भाई किसी को SI बनना है तो SI के लिए अपन को ग्रेजुएट करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन के बाद कोचिंग करके, और MPSI का एग्जाम होता है, SSC का एग्जाम होता है, उसमें सेंट्रल के SI निकलते हैं, है ना, तो वो कर सकते हैं। उसके बाद मान लो तहसीलदार, नायब तहसीलदार वगैरह बनना है, उसके लिए हमें सबसे पहले ग्रेजुएशन करना पड़ेगी और फिर MPSC का एग्जाम होता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।